तो बिग बाजार वाली फर्म फ्यूचर रिटेल के लिए एक्सपेंशन ऑफ इंटरेस्ट सामने आई है। इस बार 49 खरीदारों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। खास बात यह है कि इनमें रिलायंस रिटेल और अदानी की भी कंपनी शामिल हैं। इसके अलावा WH स्मित जिलंद पावर्स लिमिटेड के नाम भी लिस्ट में शामिल हैं। कर्ज तले दबी बिग बाजार वाली फ्यूचर रिटेल कंपनी बिकने को लंबे समय से तैयार है। बीते साल रिलायंस के साथ इसका सौदा खटाई में पड़ गया था, लेकिन एक बार फिर से इसे खरीदने के लिए होड़ लग गई है। इस बार मुकेश अंबानी के अलावा गौतम अडानी ने भी इसके लिए बोली लगाने की तैयारी कर ली है। यानी आने वाले दिनों में फ्यूचर रिटेल को लेकर अडानी अंबानी एक दूसरे के आमने सामने होंगे। किशोर बियानी के नेतृत्व वाली इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए अडानी अंबानी के अलावा 47 अन्य खरीदार भी रेस में शामिल है। इस खबर का असर इसके शेयरों पर भी देखने को मिला था। फ्यूचर रिटेल को खरीदने में दिलचस्पी दिखाने वाली कंपनियों का ईओआई का नया सेट 7 अप्रैल को मिला है। इससे पहले बीते साल नवंबर में प्रस्तावित खरीदारों द्वारा जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पेश किया गया था, उसके मुताबिक इसे खरीदने की रेस में रिलायंस रिटेल और अडानी समेत 11 कंपनियां शामिल थी। इनमें कैपरी ग्लोबल होल्डिंग्स, धर्मपाल सत्यपाल, नालवा स्टील एंड पावर, शालीमार कॉर्प, यूनाइटेड बायोटेक और WH स्मिथ शामिल थे। इनमें से कई इस बार की सेट में भी है। फ्यूचर ग्रुप कभी देश का दूसरा सबसे बड़ा रिटेलर फर्म था। बिग बाजार वाली कंपनी फ्यूचर रिटेल पर अलग अलग क्रेडिटर्स के 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा देनदारी है। कोरोना काल में स्थिति और खराब हो गई थी। अपना कर्ज चुकाने में विफल रही फ्यूचर रिटेल को इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। ऐसे में इसे खरीदने के लिए सबसे आगे रिलायंस इंडस्ट्रीज आई थी और 24,713 करोड़ रुपए में कंपनी का अधिग्रहण करने का ऑफर किया था, लेकिन कई उतार चढ़ाव के बाद ये सौदा रद्द हो गया था। बहरहाल एक बार फिर इस कंपनी को खरीदने की रेस शुरू हो गई है। अब ये कंपनी अडानी के पोर्टफोलियो में शामिल होती है या मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल के कारोबार को गति देती है या फिर किसी अन्य ग्रुप के हाथ में जाती है, वो देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।